तीन लोक में सारभूत वीतराग विज्ञान को प्रणाम करता हूँ कि वह वीतराग विज्ञान मनुष्य के लिए लोक में सुख शांति मुहैया कराने वाला है और यही वीतराग भाव मोक्ष के लिए कारण होते हैं। हम ऐसे वीतराग विज्ञान को प्रणाम करते हुए उनका गुणानुवाद करता हूँ। उनका गुणानुवाद हमारे भीतर भी ऐसे गुणों का पदार्पण करने में निमित्त बनता है और पूर्ण वीतराग होने के लिए पूर्ण वीतराग गुरु की ज़रूरत होती है। ऐसे परम वीतराग गुरुवर आचार्य विद्यासागर की स्तुति करता हुआ मैं अपने जीवन को पावन पथ पर आगे बढ़ा रहा हूँ। आइए प्रत्येक स्वरूप गुरुवर के चरणों की वंदना करते हैं। शिवम शुद्ध बुद्ध परम विश्वनाथ न देवो न बंधुर न कर्मा न कर्ता न अंगो न संगो न स्वेच्छा न कायो चिदानंद रूपं नमो वीतरागं न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषो न योगं न भोगं न व्याधिर्न शोकः न कोपं न मानं न माया न लोभं चिदानंद रूपं नमो वीतरागं न हस्तो न पादो न घ्राणो न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णो न वक्त्रं न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्यः चिदानंद रूपं नमो वीतरागं न जन्म न मृत्युर्न मोहं न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न काष्ठं न तंद्रा न श्वेदं न खेदं न वर्णं न मुद्रा चिदानंद रूपं नमो वीतरागं त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथ हृषीकेश विध्वस्त कर्मादिजाल न पुण्यं न पापं न चाक्षादिगात्र चिदानंद रूपं नमो वीतरागं न बालो न वृद्ध्यो न तुच्छो न मूढ़ो न श्वेदं न भेदं न मूर्तिर्न स्नेह न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न तंद्रा चिदानंद रूपं नमो वीतरागं न आद्यं न मध्यं न अंतं न चान्यत् न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावः न शिष्यो गुरुर्नापि हीनौ न दीनौ चिदानंद रूपं नमो वीतरागं इन्द्रं ज्ञान रूपं स्वयं तत्त्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चेतस्वरूपं न चान्यो न भिन्नं परमार्थमेकं चिदानंद रूपं नमो वीतरागं आत्मा राम गुण करम गुण निधं चैतन्य रत्न करं सर्वे भूत गता गते सुख दुखे ज्ञाते त्वयि सर्वगे
त्रैलोक्याधिपते स्वयं सुमनसा ध्यायन्ति योगीश्वरः वन्दे तं हरिवंशहर्षहृदयं श्रीमान् हृदाभ्युद्यतम्। परम आनंद को प्राप्त करने वाले महर्षियों ने जीवन की तमाम ऊंचाइयों को छोड़ करके अध्यात्म के डगर पर बढ़कर शुद्ध उपयोग के माध्यम से अपने आत्म स्वभाव को कैसे पाया है, ऐसे परम आनंद को दर्शाने वाले इस स्रोत से हम आपको वाकिफ कराते हैं। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितं अनंत सुख संपन्नं ज्ञानामृत पयोधरं अनंत वीर संपन्नं दर्शनं परमात्म नमः। निर्विकारं निराबाधं सर्वसंग विवर्जितं परमानंद संपन्न शुद्ध चैतन्य लक्षण उत्तम स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधम काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसं विवेक मंजलिम कृत्वा तं पिवन्ति तपस्विनः सदानंदमयं जीवं यो जानाति स पंडितः ससेवन्ते निजात्मानो परमानंद कारणम्। नलिना च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा स्वयं आत्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मलः द्रव्यकर्मलैर्मुक्तं भावकर्म विवर्जितं नौकर्मरहितं सिद्धं निश्चयेन चिदात्मकम्। आनंदं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितं ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यंध्या इव भास्करम्। सध्यानं क्रियते भव्यं मनोयेन विलीयते तत्क्षणं दृश्यते शुद्धं चिच्चमत्कारलक्षणं। ये ध्यान लीना मुनयः प्रधानं ते दुःखहीनानि माद्भवन्ति संप्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। आनन्दरूपं परमात्मतत्त्वं समस्तसङ्कल्पविकल्पमुक्तं स्वभावलीनानि विशन्ति नित्यं जायन्ति योगी स्वयमेव तत्त्वं चिदानन्दमयं शुद्धं निराकारं निरामयम् अनंत सुख संपन्न सर्वसंग विवर्जित लोकमात्र प्रमाणोय निश्चयेन नहि संशय व्यवहारे तनु मात्र कथिता परमेश्वर ही यक्षण दृश्यते शुद्धं तक्षण गति बिभ्रम स्वस्थचित्त स्त्री भूत्वा निर्विकल्प समाधितः स एव परमं ब्रह्म स एव जनपुंगवः
सैव परमं तत्त्वं सैव परमो गुरुः सैव परमं ज्योतिः सैव परमं तपः सैव परमं ध्यानं सैव परमात्मकः सैव सर्वकल्याणं सैव सुखभाजनं सैव सुदचिद्रूपं सैव परमं शिवः सैव परमानन्दः सैव सुखदायकः सैव परमज्ञानं सैव गुणसागरः परमल्लादसंपन्नं रागद्वेषविवर्जितं सोऽहं तं देहमध्येषु यो जानाति स पण्डितः आकाररहितं शुद्धं स्वस्वरूपे व्यवस्थितं सिद्धमस्तुगुणोपेतं निर्विकारं निरञ्जनं तत्सद्दर्शनं निजात्मानं यो जानाति स पण्डितः सहजानन्दचैतन्ये प्रकाशाय महीयसे पाषाणेषु यथा हेमं दुग्धमध्ये यथा घृतं तिलमध्ये यथा तैलं देहमध्ये तथा शिवः काष्ठमध्ये यथा वह्निः शक्तिरूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पण्डितः जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की जय।